मैं ना शुरू से मेरा मन चाहता था कि जब मैं पढ़ती थी तो हर स्टूडेंट के अपने सपने होते हैं, कोई सोचता है मैं ये ड्रेस पहनूं, कोई सोचता है मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, है ना। मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचती थी यार कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है। अच्छा। अचानक से बाय इलेक्शन आ गई तलवंडी साहब 14 में। अच्छा। तो उसमें पार्टी ने मेरे को बिल्कुल लास्ट डेट पे अनाउंस कर दिया कैंडिडेट। पहले किसी को शायद और टिकट दिया ऑफकोर्स, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि लास्ट दिन आके किसी की टिकट काट दी और बाद में किसी को अनाउंस कर दिया हो, कि जब नॉमिनेशन में एक दिन बचा हो। अच्छा। हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि पंजाब की हो हर औरत अपने आप को मतलब एक हिम्मत के साथ जिए, अवेयरनेस साथ के जिए और गट्स के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे, मतलब बस वो खुश हो यहाँ भी हो, ये मैं चाहती हूँ। मान लीजिए कभी पॉलिटिक्स में आपको ऐसा लगा कि पर्सनल लाइफ बहुत एक हद तक आपकी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत टाइम देना पड़ रहा है, तो कभी फैमिली और पॉलिटिक्स में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी तो क्या करिएगा? ऐसे तो सवाल मुश्किल है। सत श्री अकाल प्रोफेसर साहिबान, और आज हम चंडीगढ़ हैं और आपने हमारा स्वागत किया, हम आपके गेस्ट हैं एक तरह से। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हम कहाँ हैं थोड़ा सा आप बताएंगे? आज ना बेसिकली और तुम देख रहे हो ना। हाँ जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर का बुत लगे हुए जी। तो बेसिकली जड़ी ये धरती है चप्पड़ चिड़ी दी, जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हों का नाम माधो दास बैरागी, और जिन्होंने जो मैं एक लाइन दे विच कहाँ कि सिख राज दे बानी, और जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र च अपना घर छड़ता सी। बेसिकली कितनी उम्र में? 15 to 16 years की उम्र च घर ही छोड़ दिया, घर छड़ता सी। और जिन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ते और सब तो वड्डी गल जड़ी मैं मतलब इत्थे नाल जोड़ना चाहनी हूँ कि जिथे उन्होंने इस धरती ते मतलब सूबा सरहंद ते जित हासिल की, तो उहदे नाल नाल ना जिहड़े अज साडे किसान बॉर्डरां ते बैठे आ, धरनियां ते बैठे आ, वह अपनी जमीना दी मालकी लई सरकारां दे नाल लगातार संघर्ष कर रहे आ। ते जे जमीना दी मालकी किसी ने किसानों नूं दित्ती सी ना, तो वह शख्सियत बंदा सिंह बहादुर थी। सो उन्हां नूं सलूट आ, सलाम आ, कि जे अज दे इस समय दे नाल देखिए, है ना, जिहदे लई इन्ना जूझ रहे हाँ, जिहदे लई इन्ना जद्दोजान आपदी ला रहे हाँ, तो उन्होंने तो सानूं बड़ा साल बड़ा लंबा टाइम पहला ये सारे हक किसानों नूं दित्ते, तो अज फिर सरकार ने सानूं उत्थे तक दिता। सो मतलब अज एक आप बहुत इतिहासिक धरती से मैं वारे वारे जावा, इतने खड़े हैं, सल्यूट कर दी हूँ, सजदा कर दी हूँ। जिस लड़ाई को बाबा बंदा सिंह बहादुर ने और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शुरू किया था, कौमियत की लड़ाई, पंजाबियों के हक की लड़ाई, उसको आपको लगता है कि हमारी सरकारों ने आज़ादी के 70 years के बाद भी हमें जिताया, जीतने दिया? नहीं, सरकार देखो वो साढ़े गुरु साहबान सीगे जिन्होंने सानू साढ़े हकों प्रति जागरूक किया, सानू साढ़े हक दवाने लैने सिखाए। कहते होंगे ना जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप, बहुत वड्डी गल आ। तो सरकार लगातार अत्याचार जुल्म करन ते इस वेले लगिया हुई ने, काले कानून बना के पास कर देने, बना के किसानों के सिर पर मडरा देने, और जिहड़े किसानों नूं मंजूर ही नहीं आ, जिथे उन्हां नूं लगता ही नहीं कि उन्हां दी कोई भलाई आ, तो सीधा आ कि लगातार
एक जिन्हों असी कह दें डिक्टेटरशिप है ना। क्या फायदा इससे सरकार का, मतलब सरकार को दिख रहा होगा कि चुनाव आने वाले हैं अब हारने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार देखो ऐसे ही करती हैं कि जब उनको लगता है कि टाइम आ गया हमारा इलेक्शन का, टाइम आ गया हमारा चुनाव का, तो बहुत तरह के झूठे वादे लोगों के साथ, बहुत तरह के झूठे प्रॉमिसेस करती हैं, है ना। पर मैं एक चीज़ समझती हूँ कि अगर इस दुनिया में एक ही शख्स है वो है अरविंद केजरीवाल, जिसने जो कहा ना, मतलब इस चीज़ का मान महसूस होता है कि जो कहा वो करके दिखाया। वरना देखो इतना ही बड़ी बात इतने इरादे से कह देने की, अगर कुछ आपको लगता है काम करें तो वोट दे दो, अगर आपको लगता है काम नहीं करें तो वोट मत दो, आज तक तक किसी ने ऐसा बोला ही नहीं। हिम्मत ही नहीं हुई, सोच नहीं, हिम्मत ही कोई सोच ही नहीं सकता। सो अपने आप दे विच एक, मतलब मैं कहूँ कि प्राउड भी महसूस होता है कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं, हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं, हमारे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं। सो आई फील प्राउड। आप 2011-12 से आंदोलन के समय से आप एक्टिव थी पंजाब में जी, क्या माहौल था उस समय जब पूरा देश रामलीला मैदान की ओर ताकता था, अन्ना अनशन पर बैठे थे पंजाब? हाँ। में आपकी विधानसभा में, आपके एरिया में आप क्या करते थे, क्या माहौल बिल्कुल, था? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम जैसे मैं बताऊं कि मैं माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब पढ़ाती थी। तब आप वहीं पढ़ाते थे? हाँ जी, मैं पढ़ाती थी बच्चों को। अच्छा, क्या सब्जेक्ट? इंग्लिश। अच्छा, यस। तो मेरे पेरेंट्स बेसिकली मेरे को बोलते थे कि भाई वहाँ पर इतनी जद्दोजहद चल रही है तो आप जाइए वहाँ पर, अपना भी कुछ योगदान प्ले करके आओ। तो आई डू विजिट ओवर देयर। देन लोकसभा की इलेक्शन आ गई, लोकसभा की इलेक्शन में ऐसे फतेहगढ़ साहब की धरती से वो हमारे हरिंदर खालसा कैंडिडेट हुए, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। देन अचानक से बाय इलेक्शन आ गई तलवंडी साहब 14 में। अच्छा। तो उसमें पार्टी ने मेरे को बिल्कुल लास्ट डेट पे अनाउंस कर दिया कैंडिडेट, पहले किसी को शायद और टिकट दिया ऑफ कोर्स, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि लास्ट दिन आके किसी की टिकट काट दी और बाद में किसी को अनाउंस कर दिया हो, कि जब नॉमिनेशन में एक दिन बचा हो। अच्छा। हाँ, तो मैं उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव मानती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ें सब पहले से तय होती हैं, लक मैटर करता है ना। ऊपर वाले ने शायद मेरी ड्यूटी ऐसी लगाई। तो कितनी उम्र थी उस समय आपकी जो पहला इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन आपने लड़ा था? देखिए मैं 86 बॉर्न हूँ, तो कितना रिड्यूस करेंगे? यंगेस्ट कैंडिडेट होंगे उस समय? नहीं, नॉट फ्रॉम लोकसभा, एक्चुअली दैट वाज बाय इलेक्शन इन तलवंडी साहब विधानसभा, ऑफ कोर्स यंगेस्ट। हाँ, तो बड़ा था वो। अच्छा, कितने वोट मिले थे उस समय? उस टाइम देखो आम आदमी पार्टी एक शुरुआत थी पार्टी की, है ना, फर्स्ट इलेक्शन थी पंजाब में। तो तीसरी पार्टी, जैसे हमेशा पंजाब में दो पार्टी रही हैं, तीसरी पार्टी दैट वाज आम आदमी पार्टी, और मतलब एक बहुत सारी वोट उत्थे ले जानी वो अपने आप में मैटर करती है। तो जब पहली बार आपका टिकट अनाउंस हुआ, आपको कहा गया कि आप चुनाव लड़ो, मन एकदम मान गया और मन के साथ सब परिवार? नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। नहीं माना? पता क्या है, मैं ना शुरू से मेरा मन चाहता था कि जब मैं पढ़ती थी तो हर स्टूडेंट के अपने सपने होते हैं, कोई सोचता है मैं ये ड्रेस पहनूं, कोई सोचता है मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, है ना। मतलब ये नहीं है, मैं कमेंट नहीं करती, पर ठीक है, अपना अपना सिस्टम होता है हर का। तो पढ़ते टाइम क्लास में बैठे मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचती थी यार, कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है। अच्छा। हाँ। कौन सी साल की उम्र से? यही कोई मतलब फर्स्ट सेकंड? ना 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 ना, ग्रेजुएशन इज टू लेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में? हाँ, ऐसे टाइम पे तो बच्चों को पता भी नहीं होता पॉलिटिक्स क्या है, नेता क्या है। वो ऐसे था ना, मेरा स्कूल है जो, हाँ, उसके चीफ गेस्ट ना हमारे MLA हुआ करते थे। ओ, तो आपको लगा वैसा बनना? मैं उनको देखती थी, है ना। अच्छा। तो मुझे लगता है यार ये क्या चीज़ है कि मुझे भी ऐसे बनना है। तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें आ गई, है ना, क्या हुआ ना, मेरे को कोई मिलने आया,
मेरे को बोलने लगे भाई आपको गांव के कोई किसी काम से लेके अभी तीन चार साल पहले बोले आपको बेटा एक चीज़ याद है। मैंने बोला क्या चीज़? कि अब तो आप एमएलए बन गए, याद होना चाहिए। मैं कहा नहीं मेरे को नहीं याद। बोले आप ना गांव में ना एक कंपेन चल रही थी सरपंची की। अच्छा। तो आप उस सरपंची के इलेक्शन में ना कंपेन करते करते हमारे घर आ गए। हमने बोला कि भाई इस लड़की को सरपंच खड़ा कर देते। अच्छा। बस चाइल्ड एट दैट टाइम। अच्छा। तो बता रहे थे। तो उन्होंने पता क्या बोला? हाँ। कि आपका जवाब पता क्या था? कि यार सरपंच ही नहीं, मुझे तो एमएलए का चुनाव लड़ना है। क्या बात है, क्या बात है, ये तो फिल्म ही सुनाई दे रहा है। ना ना ना। जैसे कभी बचपन में लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं, मेरे को शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है। बट ठीक है, उसमें मतलब एक चीज रहती थी जो मन को ऐसे लगती थी कि यार एक गाँव से उठ के है ना, एक तलवंडी साबो से उठ के, जगराम तीर्थ गाँव है बेसिकली मेरा, कि वहाँ से उठ के एक लड़की पंजाब में कैसे आएगी। ये चीज़ अपने आप में एक मतलब वो था ऐसे ज़िगज़ैग कि अगर कोई मेरे से पूछता था कि आप कैसे करोगे, तो मुझे सच्ची में आज भी नहीं पता। मैं उसको बोलती थी भाई ये नहीं मेरे को पता कि मैं कैसे करूँगी, बट इतना पता है कि मुझे पंजाब के लिए कुछ करना है, मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना है। क्या बात, ये चीज़ ज़रूर थी मन तो में। ऐसा कुछ होता था जिससे आप कभी, जैसे होता बचपन में यदि आपका कुछ डिस्कस करने का मन है, आपको कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो आपका कोई एक फ्रेंड बन जाता है उससे जुड़ा हुआ, किसी से आपकी पॉलिटिक्स को लेके या देश के मुद्दों को लेके कभी डिस्कशन होता है? हाँ, ये अक्सर जब मैं पढ़ती थी है ना, तो पढ़ाती थी तो तब ये चीज़ें होती थी। तो बेसिकली ना मतलब हो सकता कोई इंटरव्यू सुने मेरा बुरा भी मानेगा। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा बुरा सब मानने के लिए सच्ची बोलूँगी है ना। तो जैसे सब स्टूडेंट बैठते हैं बातचीत करते हैं तो मुझे उनकी बातों में कम इंटरेस्ट होता था। अच्छा। हो सकता है मेरा कोई क्लासमेट बुरा मान जाए। बुरा मान जाए। नहीं, आपने किसी का नाम थोड़ी लिया, ठीक है। तो मुझे कम इंटरेस्ट होता था। अच्छा। तो उसमें मुझे ऐसे लगता था कि यार क्या बातें कर रही हैं ये सब। तो आई वॉज काइंड ऑफ सीरियस टाइप कि मेरा अपना ही बस एक थिंकिंग प्रोसेस होता था जिसपे मैं अपना काम करती थी। या फिर कई बार होता था कि पढ़ाते पढ़ाते जैसे सब हमारे स्टाफ मेंबर्स वो एक जद्दोजहद में रहते थे है ना, कोई फंक्शन आ गया कॉलेज में कि मेरे को स्टेज कंडक्ट करनी है, मेरे को स्टेज कंडक्ट करनी है। ना ना, मैं तो उनको ये बोलती थी बताऊं ना बताऊं। सब कुछ बताने के लिए अनकही अनफिल्टर्ड। ओके। तो मैं तो उनको ये बोलती थी भाई ये आपके लिए। अच्छा। मेरी स्टेज तो कोई और है। अरे वाह। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हाँ, मतलब मैं समझ गया कि जिस चीज को आप अपने शिद्दत से चाहो शिद्दत से परोसो, दृढ़ इरादे से करो, तो वो पक्का होती है। क्या लाजवाब, ये मेरा मानना है। लोगों को भी यही समझाती हूँ। आपकी कुछ और स्टोरीज को शुरू करते हैं, बैठिएगा। अगर ये चीज़ें मैं बताऊँ ना किसी को, हाँ, तो वो सब हंसते होंगे। मतलब ऐसा लगता होगा कि यार कि ये जितनी बातें बोल रही है ना, पर ये बिल्कुल सच है, ऐसे ही थी। ठीक है। पर कोई बिलीव नहीं करेगा, उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, बट हुआ। और कम से कम हमारी जो सीरीज देखते आ रहा होगा ना, वो ज़रूर इसको मेकआउट कर सकता है कि जो लोग बचपन में चाहे उन्होंने नादानी में कोई बात कह दी, या कहीं आपने एक संकल्प का बीज बो दिया किसी नादान बच्चे के मन में और उसने उसे शिद्दत से चाह लिया, तो हाँ। ये यकीन में बदल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं मानती हूँ जी, ये और हर फील्ड में, सिर्फ राजनीति में नहीं, हर जगह। मतलब जिस लड़की जो एक गांव से आती है, गांव से उठती है, मतलब मैं भगवान का भी शुक्रिया करती हूँ, मेरे पेरेंट्स का भी शुक्रिया करती हूँ। अब मेरी जो नेक्स्ट फैमिली है ना, मेरे ऑब्वियसली ससुराल की, उनका भी थैंक्स करती हूँ कि सब लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने को लगा कि जो ये करना चाहती है करे, इसकी मर्जी है। तो एक ही पॉजिटिव पॉइंट था। हाँ, बाकी सब संघर्ष करते करते ऐसे लगता था कि पता नहीं यार कैसे होगा ये, बट करना है मुझे।
बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मायके के साथ साथ एक खास तौर से फीमेल पॉलिटिशियन के लिए कि मायके का सपोर्ट भी चाहिए, आप जिस घर में फिर शादी के बाद जाते हो वहाँ भी सपोर्ट चाहिए, तो एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहे। अभी सुखराज सिंह जी के परिवार का और उनका कैसा सहयोग है अभी? हाँ, वो चीज़ देखो थोड़ी मुश्किल तो होती है क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस करना इट्स वेरी हार्ड है ना। बाकी मतलब मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि जैसे शुरू से एक टेम्परामेंट रहा था कि मुझे तो पॉलिटिक्स में जाना है, कि मुझे तो कुछ करना है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो और भी मुश्किल होता है कि मतलब हर चीज़ को बैलेंस करें, है ना। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, मतलब हर कोशिश रहती है कि हर अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से उठाएं और अच्छे से निभाएं, मतलब डूइंग माय बेस्ट, ट्राइंग माय बेस्ट। हाँ, ऐसा है। वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है? हाँ ठीक है, बस ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं कि मैं घर पे दे पाती हूँ, वो तो बड़ा हार्डली मतलब बड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है, मतलब अपनी लाइन में, अपनी पॉलिटिक्स में, अपने लोगों के साथ, अपनी विधानसभा में, पंजाब में, जहाँ कहीं भी ड्यूटी लगती है ना। तो अगर मैं अपने सुकून की बात करूँ तो मेरा सुकून मेरे लोगों में ही है, बस ये चीज़ है। तो ठीक है, वो मेरी एक जिम्मेवारी है, उसको निभा रही हूँ, कर रही हूँ पूरा जैसे सब लोग करते हैं। आपकी 2 साल की गुड़िया आपको मिस करती होगी? मुझे भी लगता है करती होगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं उसको अमृतसर भेज देती हूँ क्योंकि मैं तो तलवंडी साहब होती हूँ, है ना। तो फिर वो 10-15 दिन बाद मिलती है, या समटाइम्स मेरे को किसी पंजाब में किसी काम के लिए जाना पड़ गया तो 3-4 दिन घर ना गए वापस, फिर वो मिस करती है। जब मैं उसको मिलती हूँ तो शी वॉज़ लाइक, सबको बताती है फिर वो कि ममा आ गई, ममा आ गए। एक बार नहीं बताती वो, पता नहीं मतलब कितनी बार बताती है। एक बार मेरे पास आती है, दादा दादी सबको, सब मैं कहती हूँ जी जितने लोग वहाँ पे होते हैं, एक बार अंदर आती है मेरे पास, फिर बाहर जाती है। तो मतलब उसका जो उसकी खुशी होती है ना, वो मेरे ख्याल से उसको संभाल नहीं पाती। और दो चीज़, मेरा फ़ोन बज जाता है तो वो भी नहीं वो संभाल पाती, वो एकदम से लेके दौड़ती है मामा फ़ोन, बस उसको इतना ही बोलना आता है अभी तो। फ़ोन आपको भी, आप फ़ोन उठा लो, फ़ोन बज रहा है। मेरे को नहीं पता उसको क्या अजीब सी ऐसे होती है हलचल, फ़ोन उठा के भागती है कि मामा फ़ोन। क्योंकि आपसे भी उसकी सिर्फ फ़ोन पे बात होती होगी ना, तो एक फ़ोन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है उसकी ज़िंदगी का शायद। शायद वो ऐसे एक्सप्रेशन देती है, ऐसे एक्सप्रेशन देती है, तो कई बार तो ना मैं भी जानबूझ के किसी और फ़ोन से बेल कर देती हूँ कि देखो अम्मू अभी क्या करती है। पर एक छोटे बच्चे के लिए इस छोटी सी उम्र में और आप राजनीति में हो तो उसका खामियाजा तो होता होगा। कभी एज अ माँ आप अपने आप को एज अ पॉलिटिशियन ना देख कर एज अ माँ देखते हैं, तो कभी कुछ ऐसा लगता है कि पब्लिक लाइफ में होने की वजह से बच्चे के ऊपर एक कॉस्ट पड़ रही है? वो तो देखो वो चीज़ तो है, क्योंकि इग्नोर तो वो होती है, क्योंकि जो टाइम मुझे या मेरे मदर ने मेरे को दिया है ना, आज भी अगर हम अपने घर जाते हैं पेरेंट्स के घर, तो मदर को पहले उनका होता है कि भाई आपने रोटी खाई, मैं अभी आपको रोटी देती हूँ। तो मतलब आज भी वो उस तरीके से पूछते हैं ना, तो वो चीज़ मिसिंग है, इसमें कोई शक नहीं। सोचती हूँ कि जितना मेरी माँ ने मेरे लिए करा है शायद मैं उतना नहीं कर पा रही, ये तो है। तो वैसे अमूमन कितने दिन में मिलना होता है आपका गुड़िया से? गुड़िया से, गुड़िया को मैंने बताया कि जैसे उनको मैं अपने ससुराल में भेज देती हूँ अमृतसर, 10-15 दिन उनको भी लगता है दादा दादी को कि हमारे पास रहनी चाहिए, थोड़े दिन के लिए मैं अपने पास ले आती हूँ तलवंडी साहब को, तो साथ में एक लड़की है केयर टेकर, है ना, जो उसकी केयर करती है, उसको संभालती है मेरे पीछे से। कई बार 15-20 दिन निकल जाते हैं, 25 दिन निकल जाते हैं अमृतसर गई है तो, यहाँ पे है तो जैसे पीछे से हमें वहाँ पे जाना पड़ गया यूपी में लखीमपुर खेरी, तो वहाँ पे 4-5 दिन लगातार, फिर इधर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, 6-7 दिन, पूरा हफ्ता निकल गया। हो जाता है ऐसे, पर ठीक है, बस जो हुक्म है।
एज अ महिला मतलब सपना देखा, सबको देखने का अधिकार है, महिला पुरुष छोड़कर अपने देश के लिए, अपने पिंड के लिए, अपने हल्के के लिए कुछ बेहतर करने का और देश को आगे लड़ ले जाने का, पर कहीं ना कहीं महिलाओं की ज़िंदगी पर इसका असर मुझे लगता है पुरुषों से बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाँ, वो तो मतलब जैसे हम लोगों से मिलते हैं, है ना, खास करके जो लेडीज़ हैं, तो एक चीज़ की मुझे खुशी भी होती है कि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में उनके आती हूँ, वो मेरे से बात करती हैं दिल की, तो उनको प्राउड भी महसूस होता है, उनको ऐसे भी लगता है कि एक मोटिवेशनल टाइप की ये भी किसी की लड़की है, हम भी अपनी लड़की को आगे करें, हम भी उसको आगे लेके जाएं, है ना, तो एक उनको सपोर्ट भी मिलता है। तो मतलब जो दिल खोल के वो बात मेरे साथ कर सकती हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें अगर कोई मेल मेंबर हो मेरी जगह, है ना, तो शायद वो दिल खोल के बात नहीं कर सकती, वो अपना हर दुख, मतलब है भी ऐसा ही है, मतलब हर अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो सफ़र कर रही है मदर, हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है सफ़र कर रही है मदर, है ना, घर पे लड़की, तो लेडी ही हर तरीके से सफ़र करती है, मतलब तो अपना दर्द वो किसी को बताती नहीं, बट हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करती है। जब हम मिलते हैं तो बैठते हैं उनके साथ, तो फिर वो दिल खोल के बातें करती हैं, तो कई बार तो बेचारी मतलब रोने भी लग जाती हैं, है ना, ऐसे हालात में, ऐसे हालात उनके बने हुए हैं कि अपना दर्द किसी को सुना नहीं सकती, बता नहीं सकती वो। तो इसीलिए जैसे हमने शुरू करा कि अरविंद जी की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है पंजाब में, जो बेसिकली हमारे फीमेल्स जो इतने दर्द में रह रही हैं, उनका कोई अगर यहाँ पे बन सकता है विकल्प तो आम आदमी पार्टी है। बस पंजाब में नशे की समस्या अलग अलग तरीके से फिल्मों की तरफ से, गानों में, हाँ, है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग बार पेश की गई है, महिलाओं की ज़िंदगी पर इसका कैसा असर पड़ा है? क्या महिलाएं भी पहले तो चंगुट में आई हैं नशे के? सबसे ज़्यादा असर ही महिलाओं की ज़िंदगी बिगड़ा है। अच्छा, क्योंकि कोई भी फैमिली का अगर कोई बच्चा, कोई यूथ, कोई यंग मुंडा नशे में आ जाए तो एक तो माँ बाप वैसे टूट जाते हैं, एयर इकोनॉमिकली टूट जाते हैं, अगर फैमिली इकोनॉमिकली टूट गई, ख़त्म हो गई, तो सबसे ज़्यादा सफरिंग है ना जो उसकी घर की लेडी की है, चाहे वो माँ है, बहन है, पत्नी है, मतलब जो भी वो रोल प्ले कर रही है, तो सबसे ज़्यादा दर्द है ना तो वो उसी का है। मतलब कई बार तो ऐसे हालात बन जाते कि एक एक घर में एक एक लड़का होता है और जिसकी उम्र 21, 25, 30 ऐसे करके, तो उस माँ की बहुत बुरी हालत होती है, जो कभी नहीं देख सकते आप, कभी भी, वो बताती नहीं, वो डरती है समाज से कि लोग मेरे को ताने मारेंगे कि आपका लड़का नशे कर रहा था। ठीक है, बेचारी के पास कोई हाल ही नहीं है, सरकारों ने ख़त्म कर दिया उसको। पर समस्या का मूल क्या है, मतलब क्यों सिर्फ इसलिए कि पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस ने? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली सिंडिकेट करके फैलाया है पॉलिटिशियन ने ना, बेसिकली उनको रोजगार के मौके नहीं दिए, नौकरी के। अब इतने पढ़े लिखे यंग मुंडे कुड़ियाँ ऐसे ही मतलब फालतू में चल रहे हैं, तो देखते हैं कई बार कि उनका कसूर नहीं है, उन्होंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद सरकार को उनको संभालना था बट नहीं संभाला, वो नशे में कूदेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म करेंगे अपनी, और क्या करेंगे। एक सर्वे हुआ था उसमें निकल के आया था कि पंजाब में जो लोग नशे से जूझ रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें से 19% युवकों ने ये एक्सेप्ट किया कि बेरोज़गारी एक रीज़न था नशे में, मेन रीज़न है बेरोज़गारी, दूसरा कर्जा मेन रीज़न है किसानों के ऊपर, उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिनकी पूरी तरह से निर्भरता अपनी ज़मीन पर है, अब जैसे मालवा का बेल्ट का पूरे का पूरा कॉटन ख़त्म हो गया, गुलाबी सुंडी आ गई। क्यों गुलाबी सुंडी? अच्छा, क्यों आई गुलाबी सुंडी? क्योंकि पिछले साल भी जो इन्होंने बीज दिए थे सरकार ने, वो माड़े दिए थे, तो इस बार सरकार को उसको चेक करके देना चाहिए था, नहीं दिया। अच्छा, तो टोटल मीन्स टोटल सब ख़त्म हो गया, तो अब वो जिस किसान की वो ज़मीन है,
वो उस खर्चे को कैसा पूरे करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉटन बेल्ट पे कॉटन को उगाने के लिए, नरमे को पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च होता है। उसकी स्प्रे बहुत कॉस्टली होती है, उसके सीलर बहुत कॉस्टली होते हैं, उसका ठेका मतलब साल का 50,000 टाइप होता है ऐसे करके, तो वो कभी पूरा ही नहीं कर सकता किसान। मुआवजा देने की बात आती है, सरकार 8,000 से निकल जाती है या 12,000, हमारी तरह थोड़ी कि दिल्ली सरकार जैसे 20,000 देती है, है ना। तो वैसे भी तो कॉटन बेल्ट तो बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। तो कॉटन बेल्ट मालवा तक सीमित है या मांझा में भी है? मांझा में बेसिकली लोग कॉटन नहीं उगाते, वहाँ पे जीरी आ जाती है, जीरी आ जाती है। मालवा में ज़्यादा कॉटन है। तो पूरी फसल इस बार ख़राब हुई है पूरी? तो सरकार जी पूरी की तरफ से कुछ ऐलान हुआ? ना अभी तक कुछ नहीं। जैसे कहते हैं गिरदावरी वो हो रही है, तो अभी तक ऐलान सरकार ने कुछ नहीं करा। और पता क्या होता है उसमें लेबर क्लास भी बहुत दुखी होती है, क्योंकि लेबर क्लास जैसे दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, उनको लगता है कि यार हम भी कुछ कमाएंगे। सबसे ज़्यादा कमाई लेबर क्लास को मैं कहती हूँ कि कॉटन से होती है, नरमे की चुगाई से। तो नरमा ख़त्म हो गया, उनके सपने भी बेचारों के ख़त्म हो गए। मैं पीछे से गई थी तो बेचारे बहुत परेशान थे, बहुत परेशान कि उनके पास कोई हल नहीं था। बोल रहे थे किसानों की मांग रखोगे तो हमारी मांग भी रखना। ऑफकोर्स वो था ऐसा कि किसानों की मांग, किसानों की समस्या, चुनाव के समय सिर्फ किसान को एक प्यादा समझ कर यूज़ किया जाता, उसकी समस्या के ऊपर कमेटियाँ बन जाती हैं, लेकिन कभी कोई दिल से उसके पीछे नहीं पड़ता समाधान को लाने के लिए। हाँ, इसी चीज़ का तो बार बार मैं भी यही जिक्र कर रही हूँ कि किसान को हमेशा निशाना बनाया जाता है ना, बट उसके लिए समाधान लेके कोई भी सरकार नहीं आती। मतलब लोगों को ना, जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस करा कि अगर किसी की फसल ख़राब होती है तो 20,000 मुआवजा, तो इस चीज़ की पंजाब में एक लहर थी खुशी की। सब लोग शुक्र मना रहे थे कि अरविंद जी ने ऐसा हमारे लिए, किसानों के लिए एटलीस्ट सोचा तो सही। हाँ, तो वो चीज़ है, नहीं तो यहाँ पे आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। फसल ख़राब होगी तो हो गई, इसमें सरकार का कुछ नहीं। फिर लोगों को अपने बच्चों की शादियाँ करनी होती है, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं ना, जब सारा ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली यही सब जन्म देता है कि डिप्रेशन, नशे, बेरोज़गारी। तो पंजाब में अर्बन टाउन्स भी हैं, यहाँ पर वो एरिया भी हैं जहाँ पर लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जहाँ पर कॉरपोरेट्स आकर MNCs आ रही हैं रोज़गार देने के लिए, और इतना बड़ा पंजाब नहीं है कि इतनी कंपनियाँ आने के बावजूद, इतना बड़ा सेक्टर खेती पे होने के बावजूद, इतना सब सिस्टम होने के बावजूद भी इतनी GDP ना रेस कर पाए कि पंजाब का बजट घाटे में रहे हमेशा। इतना बुरा हाल है हमारे बजट का पंजाब के कि सब कुछ होने के बावजूद, ज़मीन है हमारे पास, फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पास, MNCs आने को तैयार हैं हमारे पास, पॉपुलेशन भी एक लिमिट तक काफ़ी ठीक है, लेकिन हमारी GDP की फिर भी हालत है। सरकार बेसिकली ना यहाँ पे जो चलती है, चाहे अकाली दल का टाइम रहा चाहे कांग्रेस का टाइम रहा, तो वो माफिया की सरकार होती है। माफिया मतलब सब अपना प्राइवेट सिस्टम रन करते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि जैसे दिल्ली में 300 करोड़ का पुल, वहाँ पे हमारे CM 150 करोड़ में बनाते हैं, 150 करोड़ लोगों में लगा देते हैं। यहाँ पे तो उल्टा काम है, अगर एक पुल 300 करोड़ का बनेगा तो वो सरकार उसको शो करेगी भाई 300 करोड़ का नहीं, इस पे तो 500 करोड़ लग गया। इट्स लाइक दैट। अच्छा, सच है ये? तो एक एक कोई सड़क बनानी होती है, 200 करोड़ रुपए खाए जा सकते हैं। मेरा जस्ट एग्जांपल। अच्छा, है ना, जैसे मतलब एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है करप्शन में चले जाता है। हाँ, करप्शन में। जैसे कोई सड़क बनानी है तो गली बनानी है कोई, वहाँ पे माड़े से माड़ा मटेरियल, मतलब जो कचरा होता है वो डालेंगे, तो वो एक साल भी नहीं चलती, वो 6 महीने में ख़त्म। ये चीज़ है करप्शन, तो इसीलिए पंजाब पीछे छूट रहा है। तो आपके क्या सपने हैं पंजाब को लेकर? आपने बचपन से ही सपना बोया था अपने मन में, आज वो सपना साकार हो चुका है, आप एक MLA हैं, 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं। मैं पता क्या चाहती हूँ? क्या चाहते हैं आप पंजाब में, क्या बदलाव आना चाहिए? देखो, मतलब हम अपने कल्चर से दूर ना जाएं, मुझे इस बात का दुख होता है।
हम अपनी मोरल ड्यूटीज़ को ना भूलें। मुझे इस बात का दुख होता है जब पंजाब के बच्चे बच्चे मतलब उनके पास अवेयरनेस नहीं है। उनको सरकारों ने कहूँगी कि उनकी दिमाग को ही वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। लोग अपने जो पंजाब का तरह तला बेसिकली उसके साथ जुड़ के रहें, फिर सारा कुछ ही होगा। फिर वो जब यहाँ पे अपनी ज़मीन के साथ जुड़ेंगे, अपनी ज़मीन के साथ उनका लगाव होगा, पंजाब के साथ उनका लगाव होगा, तो अपनी मोरल ड्यूटीज़ उन रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही। तो उनके पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए, नौकरी के मौके सरकार प्रदान करे कि वो यहाँ रह के अपने पेरेंट्स के साथ रह के खुश रहें, ना कि पंजाब को ऐसा खोखला कर दें कि सब मतलब जहाज के जहाज भरे यहाँ यूथ के बाहर जा रहे हैं। इतना टैलेंटेड यूथ हमारा, पंजाब उसको संभाल नहीं पा रहा। अगर दुनिया में किसी भी कोने में जाओ ना, तो सबसे पहले अगर बात करें इंडस्ट्री की, अगर बात करें किसी बिजनेस की, तो सबसे आगे एक पंजाबी खड़ा होता है जिसने इस्टेब्लिश करा है। वो पंजाब में क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। तो दूसरा मतलब मैं ये चाहती हूँ कि बीइंग अ फीमेल है ना, कि अब सच्चे दिल से मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, उस माँ के लिए, मतलब पता नहीं क्यों मैं ऐसे चाहती हूँ कि यार उनके दर्द का कोई इलाज होना चाहिए। अब नशे की बात करें? नहीं, नशा तो बेसिकली उसका रीज़न बनता है ना। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे किसान ऊपर उठें, हमारे स्टूडेंट ऊपर उठें, हमारा हर वर्ग ऊपर उठे, तो पर्टिकुलरली जो हमारी गर्ल्स हैं, जो हमारी फीमेल है, जो हमारी मदर है, मतलब उस वर्ग के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप पे डिपेंडेंट हो, ना कि मतलब सारा दुख लेके वो घर पे बैठी हो, है ना। और मेरे मन की इच्छा है, नहीं बिल्कुल ठीक कुछ है। ऐसा होना चाहिए कि वो खुश रहें यहाँ भी, वो रहें बस, मतलब मेरे दिल की दुआ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और आपने वो एक एग्जांपल सेट भी किया है, बहुत से लोग जैसे आपने बताया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप लोग लोगों से मिल रहे हो तो उनके मन में ये समझ में आ रहा है कि इस लड़की ने अपने आप को, क्योंकि उनको कुछ प्रूव किया है। सुनना नहीं चाहता है ना, उनको कुछ सुनता नहीं, उनको समझता नहीं, कुछ समझना नहीं चाहता, सब मतलब अपने काम में बिजी हैं। तो वो एक पर्टिकुलर मतलब मैं चाहती हूँ कि पंजाब की वो हर औरत अपने आप को मतलब एक हिम्मत के साथ जिए, अवेयरनेस साथ के जिए और गट्स के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे, मतलब बस वो खुश हो यहाँ भी हो, ये मैं चाहती हूँ। सपना तो बहुत बड़ा है, बहुत लाजमी सपना है, और मतलब मेरे दिल के साथ जुड़ा हुआ है ये। पंजाब ने बहुत सारे ऐसे सपने दुनिया के सच करके दिखाए हैं जो कभी असंभव लगते थे, और ये सपना तो ऐसा है कि आज मतलब क्योंकि मैं भी एक पंजाबी फैमिली से आता हूँ, मैंने देखा है कि पंजाब के घरों में आज फिर भी महिलाओं को लेके एक सम्मान की भावना, महिलाओं को मजबूती से आगे बढ़ने की एक भावना है। हाँ। कि जो लड़का हमारा लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं कर सकती। हाँ, पर माहौल देने की जरूरत है। वही बात आपने बोल दी ना कि उसकी रिस्पेक्ट समाज में हो। मैं मतलब सही शब्द पकड़ा आपने, मतलब मेरा मतलब इसी से है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसका सत्कार हो, उसकी इज्जत हो। दिस इज इट आई बिलीव, है ना, कि मैं उसके लिए कुछ करूँ यार। तो अब आपको राजनीति में करीब करीब 6 साल हो चुके? हाँ, जैसा मानिए कि एक्टिवली तो 14 से इन्वॉल्व हुए, तो 7 पहले भी जैसे थोड़ा बहुत। मेरे फादर एक्चुअली इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा। तो कभी ना कभी उनके साथ फील्ड में ऐसे चले जाते थे कंपेन करने के लिए खुशी खुशी से। तो अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 3 इलेक्शन हो गई, 14 की बाई इलेक्शन, देन 17 की पंजाब की विधानसभा की इलेक्शन, देन 19 की एमपी के इलेक्शन बठिंडा से, 3 इलेक्शन। राजनीति में रोज़मर्रा का जीवन और इलेक्शन के वो चंद महीने चंद दिन जब आपको एक एक पिंड एक एक मोहल्ले में जाकर अपना मैसेज देना होता है, कितना मुश्किल सफ़र होता है ये? हाँ, मुश्किल भी होता है क्योंकि जैसे कई बार सारे के सारे डिजी प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम क्या मान लो, सपोज कई बार आपको बुखार है, फीवर है, तो उधर कोई काम आ गया लोगों का,
तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं उसको छोड़ के भी, अगर मेरे को लगा कि काम मेरा ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अपनी सेहत को छोड़ के भी उस काम में गई हूँ। मुझे लगता है मेरी ड्यूटी प्रायोरिटी है। कई बार, पर फिर भी कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि शायद लगता होगा कि हमारी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर रहे, है ना। पर काम फील्ड का बहुत वास्ट होता है, मतलब जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, कई बार हो जाता है कि कोई छूट जाता है। पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी जानबूझ के मेरे ख्याल से तो नहीं छोड़ता, मैं तो नहीं छोड़ती जानबूझ के। मेरी तो हर कोशिश होती है कि अपने लोगों के साथ रहूँ, लोगों के साथ बिताऊँ, है ना। मतलब मैंने अपने आप को कई बार की बहुत बार इग्नोर करा है, कोई परवाह नहीं मुझे, बस लोगों में जाना है तो जाना है। तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल भी होती है कई बार। आप अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं अभी? जब आप बाइट दे रहे थे तो मैंने देखा था कि जो पत्रकार थे उन्होंने बाद में आपको मैडम आके बोला कि मैं आपका शिष्य रहूं, आपका स्टूडेंट रहूं। थोड़े बहुत कनेक्ट हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में जाते हैं, आम बात है। हाँ जी, तो मैं वही बताने लगी थी, मेरी फतेहगढ़ साहब में ना एक रूममेट हुआ करती थी, तो शी वॉज कुलीग एट द टाइम। तो मैं उसको बोलती थी कि भाई आप जर्नलिज्म पढ़ा रहे हो तो आपको कल को आप इंटरव्यूज़ करोगे, तो मजाक में बोल देती थी उसको। उसका नाम गुरदीप था, कि गुरदीप पता है तेरे को कल आप मेरी इंटरव्यू कर रहे होगे थोड़ी देर बाद इसी टीवी पे। तो सच ऐसे हुआ। अच्छा, हो गया। हो गया। तो इसका मतलब आप जो सोचते वो सच तो हो ही जाता। ऊपर वाले की मर्जी है। तो सच हो गया। अच्छा। वो मेरे पास आई एक दिन, मेरे को फ़ोन आया कि आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा कौन? बोले जी जिसको आप ऐसे बोलते थे। अच्छा। मैंने कहा आ जाओ फिर। हुआ वो इंटरव्यू फिर? हाँ। तो मतलब ठीक है, स्टूडेंट भी मिलते हैं, उनको मिलके खुशी होती है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ थी, है ना। जब हम पढ़ाते थे उनके साथ भी एक, मतलब आपका एक अच्छा रिश्ता होता है। कल कोई जर्नलिज्म का स्टूडेंट आपका रहा हुआ या इंग्लिश लिटरेचर का कोई स्टूडेंट रहा हुआ, कल अकालियों से या कांग्रेसियों से कोई भयंकर सवाल पूछ ले, तो वो ये नहीं, उन्हें ये नहीं लगता होगा अरे तू कहीं प्रोफेसर बलजिंदर कौर का शिष्य तो नहीं है, मेरे से आके ऐसी बात कर रहा है। नहीं, मेरे को तो ना पता क्या है, जब मैं पढ़ाती थी तो कई बार मेरे को हिटलर भी बोल देते थे। क्यों हिटलर? हिटलर खौफ था आपका क्लास में? पता नहीं, बस ऐसे ही था। मेरी क्लास एक्चुअली 150 स्टूडेंट की होती थी कई बार, तो एक क्लास 150 स्टूडेंट। यस, सोच सकते हो आप। कौन से ईयर के? माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब। कई बार तो बीए की क्लास होती थी ना, वो 150 की होती थी। अच्छा। मास्टर्स की नहीं, ग्रेजुएशन की क्लास। हाँ, ग्रेजुएशन की। तो उसमें तो बोलना ही बहुत ऊंचा पड़ेगा। सबसे बड़ी सेक्शन भी बहुत बड़े होते थे उसमें, ए बी सी डी ऐसे करके। अच्छा। तो सबसे बड़ी क्लास जो किसी से कंट्रोल नहीं होती थी, वहाँ पे मेरे को भेज देते थे। तो एक सेक्शन में 150 बच्चे थे? हाँ जी, बहुत स्ट्रेंथ होती थी माता गुजरी कॉलेज में। अच्छा। तो जो नहीं कंट्रोल होता था किसी से, वहाँ पे मेरे को भेज देते थे भी आप जाओ। क्योंकि पता क्या था उसमें, मतलब जब मैं पढ़ाती थी, है ना, तो मैं बड़ी जी जान से पढ़ाती थी। मतलब ऐसे पढ़ाती थी कि जैसे मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया है, कि क्लास में जितना पढ़ाया उतना मेरे को आना चाहिए, बाद में जाके मैं अपनी कॉपी भी ना खोलूँ। तो वैसे ही मेरे को होता था कि क्लास में जितना मैंने पढ़ा दिया इनको याद होना चाहिए, ये घर पर जाके ऐसे ना बोलें कि क्या पढ़ा दिया। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, ऐसे था क्वालिटी थी मतलब। पर फिर वो सपना तो वही था कि रोज आते हैं, तो मुझे तो पॉलिटिक्स में जाना है। मान लीजिए कभी पॉलिटिक्स में आपको ऐसा लगा कि पर्सनल लाइफ बहुत एक हद तक आपकी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत टाइम देना पड़ रहा है, तो कभी फैमिली और पॉलिटिक्स में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी तो क्या करिएगा? वैसे तो सवाल मुश्किल है। सवाल मुश्किल है। तो मेरे घर वाले भी मेरे को ऐसे घूर घूर के देखेंगे अगर मैंने बोल दिया सच। तो बताओ क्या करूँ अब। पर सच यही है कि देखो, मैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी दिलो जान से, मतलब अपनी पॉलिटिक्स को प्यार करती हूँ ना, पर रिस्पेक्ट मेरे मन में सबकी है, तो उस रिस्पेक्ट को मैं कभी ख़त्म नहीं करती, उसको ऐसे ही रखूँगी, संभाल के रखूँगी, तो सब लोगों को मना के रखूँगी,
पर करना तो मुझे लोगों के लिए, जीना तो मुझे लोगों के लिए, सवाल आपका खतरनाक था ये नहीं लोगों में ये मैसेज डालना बहुत ज़रूरी है कि एक पॉलिटिशियन जो है उसके कितने कितने स्ट्रगल के बाद, कितनी पर्सनल सैक्रिफाइसेस के बाद वो एक जगह तक पहुँचा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं अपने पॉलिटिक्स में अपने लोगों के साथ खुश हूँ ना, तो ही मैं अपनी फैमिली को रन कर पाऊँगी। हाँ। अगर मैं ये सोचूँ कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूँ, है ना, खुश रख के शायद मैं मतलब पॉलिटिक्स को चलाऊँ, तो फिर मैं फैमिली भी नहीं खुश रख सकती। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, फिर मैं उनको भी नहीं खुश रख सकती, क्योंकि आपके तो मेरी खुशी है जो वो लोगों में है, उस अगर मैं उनके साथ खुश हूँ तो ही मैं सब चीज़ कर पाऊंगी। नहीं, जरूरी बात है, कि बुरा माने तो फिर सॉरी मांग लूंगी। देखो, सच सच रहना चाहिए, अच्छा बुरा सब सेकेंडरी है। तलवंडी साहब के लिए क्या सपने देखे हैं आपने, क्या कुछ बदला है पिछले लगभग 4.5 साल हो गए आपको विधायक हुए? हाँ, क्या कुछ ऐसा है जो बदलने के सपने बाकी? एहसास है, इस चीज़ का एहसास कि जैसे आज तक कोई लड़की आई नहीं थी आगे। आपसे पहले कोई महिला विधायक हुई है वहाँ की? ना ना ना, कभी नहीं हुई। कोई लोकल विधायक भी नहीं हुआ। अच्छा, तो लड़की का आना तो बहुत मुश्किल, वो भी अनमैरिड है ना। बस एक दो अकाली दल के हैं, वो भी जैसे उनकी फैमिली की है। अच्छा भाई, डमी कैंडिडेट है, डमी फेस है, डमी बोल सकते हैं हरसिमरत कौर बादल। अच्छा अच्छा अच्छा, परिवारवाद है वो तो। वो लोकसभा लड़ते हैं वहाँ से। अच्छा, और हम वो लोग हैं जैसे जो आम साधारण फैमिली से, ज़मीन से निकल के उन लड़कियों में से निकल के आए हैं, तो ये चीज़ मतलब एक तलवंडी साहबों को एक बड़ा प्लस पॉइंट है वहाँ की लड़कियों के लिए, मेरे को तो लगता है। एक बार ना मैंने पर्टिकुलर येलो कुर्ता और वाइट सलवार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो सूट बनवा लिया, बड़ा अच्छा लगा वो, मतलब ऐसे चेक सा था उसमें, तो बड़ी सारी लड़कियों ने ना मेरे जैसे सूट बना ले। ये बड़ा होता है कॉलेजेस में। माती जी का इंटरव्यू लेते थे, उन्होंने भी सेम एक एग्जांपल दिया। कॉलेज में नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में कह रही हूँ। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? यस। अरे वाह, मानसा तक, बठिंडा तक, बहुत दूर दूर है, बहुत लड़कियों ने, है ना, तो मैं उनको देखती कि मेरे जैसे सूट बना लिया है इन्होंने, तो वो चीज़ एक ऐसे लगती है कि आपको देखने से, है ना, कुछ लोग आपको ही मान के चलते हैं। नहीं, पर इससे एक एग्जांपल तैयार होता है और एक बेंचमार्क तैयार होता है कि लड़कियों के सामने अच्छे रोल मॉडल्स की बहुत कमी है। हाँ, ये तो आप वो देखते हैं जिसको कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है, तो उसको रोल मॉडल अपनाने में उनको ज़रा सी हिचक नहीं होती, यदि वो अच्छे फैमिली से है, अच्छे काम कर रहा है, उसको देख के एडमायरेशन आ रही है आपके मन में। तो वही ना मैं बात कर रही थी। हाँ। तो लड़की वो देखती मेरे को, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों ने सूट सिलाए, तो मेरे सामने वो पहनती, कंपेन में काम करते हम सब लोग इकट्ठे, तो अपने आप को लगता यार ये तो तेरे जैसे सूट बना लिया उन्होंने। कितनी प्यारी बात है। हाँ, छोटी सी बात है लेकिन ये ज़मीन पे होता असर भी एक तरह से बहुत होता है जी, मैं चीज़ों को कई बार मैंने देखा है। तो जैसे लड़कियां सिर पे दुपट्टा लेने के लिए ना, अब जो नई जनरेशन है वो हेजिटेट करती हैं, मतलब उनके मन में पता नहीं, आई डोंट नो। तो कई बार मेरे से मिलती हैं जैसे, तो मेरे को मिल के, मेरे को देख के, मेरे को तीसरी चौथी बार में पता चल जाता है कि वो भी अपना सिर ढकना शुरू कर देती हैं, दुपट्टा ऐसे ही कैरी करना, तो लगता है फिर थोड़ा सा कि यार ठीक है, तेरी कॉपी कर रहे हैं। नहीं, सीख, एक सीख मिलती है। और हमेशा हमेशा से बच्चे हों या यंगस्टर्स हों, एडोलेसेंट्स हों, वो जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो वो अलग क्योंकि बेसिकली यही हमारा कल्चर है। हाँ, नहीं, इसी कल्चर को संभाल के रखेंगे तो ये सारा। सो अगले 5 साल आपका क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो कि ओवरकम करना है, कैसे देखते हो अपने आप को? ये सवाल भी डूंगा है। डूंगा है बोलते हैं, अच्छा, मुश्किल मतलब डूंगा। ये नया शब्द है, बहुत गहरा है। इस तरफ की मालवा की पंजाबी बहुत टिपिकल है ना, मतलब ऐसे बहुत सारे पंजाबी के शब्द, जब आपका मैं इंटरव्यू सुन रहा था अभी, जब आप बाइट दे रहे थे मीडिया को, तो बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो मैंने भी कभी नहीं सुने, मतलब नए थे मेरे लिए, मतलब बड़ा गहराई वाला सवाल, गहराई वाला है। हाँ, बहुत सारे काम है देखो पंजाब के लिए भी,
फैमिली के लिए भी, परिवार के लिए भी, हर चीज़ को बैलेंस करना मुश्किल है। बिल्कुल करना पड़ेगा, करूँगी, है ना। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है मेरे लिए। तो हर ड्यूटी को निभाते हुए, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अपने लोगों को खुश रखूँ, उनको खुश कैसे करना है मुझे उनके लिए, मतलब और कोई मेरा सपना भी नहीं है। लोगों के जैसे बहुत सारे सपने होते हैं, किसी को होता है मैं अपना घर बनाना है, है ना, किसी को होता है मुझे अपने अच्छे अच्छे ड्रेस बनाने हैं, किसी को होता है मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ना, कोई भी सपना नहीं है मेरा, एक ही चीज़ है बस, मतलब लोगों के साथ रहना है, लोगों के बीच रहना है, कि जब इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो लोग आपको याद करें कोई था, बस इतना ही सपना है मेरा। कितनी प्यारी बात है, पर सच्चाई है ये। शायद देखने वाले को लगा कि ऐसे ही कैमरे के आगे बोल रहे हैं, ना, नहीं। और मैंने मतलब कभी कुछ मांगा ही नहीं है, नहीं मांगा। कितनी प्यारी, मेरा एक जो प्रयास है ना वो यही है कि यंग माइंड्स के सामने, यंगस्टर्स के सामने एग्जांपल सेट तो हूँ, लेकिन ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से कैसे पहुँचे कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ पर्सन हु इज़ लिविंग अ पब्लिक लाइफ, तो उनको समझ में आना ज़रूरी है कि पब्लिक लाइफ का मायने क्या है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखो, मतलब पॉलिटिक्स का सिस्टम ऐसे बना दिया पार्टियों ने, है ना, कि लोग पॉलिटिशियन पे भरोसा ही नहीं करते। पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये पांचों उंगलियाँ सेम नहीं हैं, बहुत फ़र्क है इनमें। बंदा, जब मैं अपनी बात करूँ, किस माहौल से आप आ रहे हो, किस माहौल से आप गुजरे हो, किन सर्कमस्टांसेस से आप निकल के आए हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर किसी को सब चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, जैसे मैंने बात करी हरसिमरत कौर की, या फिर परनीत कौर की बात कर लो, है ना, ये दो बड़ी मतलब लेडीज़ हैं पंजाब में, जो मतलब थोड़ा दिखती हैं लोगों को, पर वो तो अपनी फैमिली से हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, जो मतलब उनकी निजी कमाई जैसे बोले। तो लोगों में हर पॉलिटिशियन को एक ही निगाह से देखना, वो चीज़ कई बार दुख देती है। तो अच्छा किया आपने आज ये इंटरव्यू कंडक्ट करा, क्योंकि लोगों में सच्चाई जानी बहुत ज़रूरी है, कि जिसको आप चुन रहे हो, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, खास करके जो एक लड़की है, फीमेल है, जो इतने हालातों से लगातार मतलब स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, कि लोगों के साथ खड़ूँ, लोगों के साथ जीऊँ, लोगों के साथ मरूँ, तो वो क्या है। मतलब अच्छा किया आपने। कभी कोई रोल मॉडल रहा है आपका बचपन से, जैसे आपने बोला फादर को देखती थी, तो उनके साथ चुनाव प्रचार में आप सम्मिलित होती थी, घरों में जाना आना होता था, कोई वैसा रोल मॉडल जो आपके अंतर मन में, सूक्ष्म मन में कभी घर कर गया? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब मैं जैसे भी जो लोग स्ट्रगल करते थे, किसी को भी ला लो, पेरेंट्स को ला लो, फैमिली को ला लो, है ना, कोई भी मतलब ऐसी शख्सियत जो बड़े अलग अलग हालातों से उठे थे, उठ रहे हैं, उनको पढ़ के, उनको सुन के थोड़ा सा लगता था कि यार बंदों ने कितनी संघर्ष करी है, इन लोगों ने कितनी स्ट्रगल करी है, तो हम भी कर सकते हैं, करेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन में, कोई क्लास का कोई इंसिडेंट जो आपको याद रहा हो आज तक? तो मैंने बता ही दिया, हिटलर बोलते थे। वो तो ठीक है, वो तो एक लेबलिंग हो गई। पर आप कितना एंजॉय करते थे एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर? बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करती थी। अब कभी मौका मिले तो जाते हो आप कॉलेज? मतलब उनको मिलके अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स को। हाँ, उनको मिलके, टच में है सुन के, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ हैं स्टूडेंट्स। बस इंसिडेंट तो जो मैंने आपको बताया है ना, जैसे कई बार कई टीचर ऐसे होते थे जद्दोजहद में कि हमें स्टेज कंडक्ट करनी है, तो मैं उनको ऐसे मतलब एक रूटीन में बोल देती थी कि यार मेरे को ये स्टेज कंडक्ट नहीं करनी, मेरी स्टेज तो कोई और बनी हुई है, वो अभी वेट कर रही है। बहुत खूबसूरत है, ऐसे छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंस से, छोटे छोटे संकल्प से, छोटे छोटे संघर्षों से बुन के हमारी ज़िंदगी बनती है, और हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी, सब
बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है बिल्कुल। कैमरे के सामने तो अलग लगती है। एक चीज़ और है ना, मैं बताऊँ, जब बाई इलेक्शन की टिकट अनाउंस हो रही थी ना, तो जैसे सब सीनियर सीनियर लोग, 14 वाले सीनियर सीनियर प्रोफेसर होते हैं, नाम लूंगी तो शायद गुस्सा होंगे वो। कई लोग गुस्सा हो जाएंगे क्या आपके इंटरव्यू के बाद? हाँ। नहीं होने देंगे, बोलेंगे ना। अच्छा, तो वो कई बार मतलब उनको लगता था कि यार ये इतनी बड़ी बात बोल रही है कि इसको पॉलिटिक्स में जाना है, इसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी, वो भी बाय इलेक्शन, वो भी पंजाब की, कि ये कैसे जाएगी। तो वो ना मतलब ठीक है, दुनिया का एक सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा मजाक में लेते थे। तो वो चीज़ आज भी मेरे को याद आती है कई बार। 2017 का चुनाव 22,000 वोट से जीते थे। हाँ, 20,000 वोट से जीते थे। तो 14 वाली मार्जिन है, बड़ा मार्जिन, ऐसा हुआ नहीं कभी। बहुत बड़ा। अच्छा, कभी नहीं हुआ तलवंडी साहब? तलवंडी साहब में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 20,000 वोट से जीता? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात। तो मतलब उस टाइम में बात कर रही थी तो उनको थोड़ा ऐसे होता था कि ये कैसे जाएगी, ये फालतू में फेंक रही है, कि ऐसा हुआ ही नहीं कभी, है ना। और मेरे को पता होता था कि भाई मुझे जाना है, तो मैं उनको बोलती थी भाई मेरा एक महीना रह गया, मुझे जाना है, अब मेरे 15 दिन रह गए, मुझे जाना है। वो चीज़ आज भी याद करती हूँ। ये बड़ी प्यारी बात, बहुत अच्छी लाइफ जर्नी है, और इस आंदोलन से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, और इस आंदोलन की वजह से हमारे आपके जैसे लोगों ने बहुत लोगों की ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर डाला होगा। और बिल्कुल, उम्मीद है आपका आज की शाम अच्छी रही होगी, कुछ नॉस्टैल्जिक भी फील किया होगा आपने। बढ़िया, देखो आपने मौका दिया है ना, कि शायद मैं इतनी बातें कभी किसी से करती नहीं दिल की। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं इंटरव्यू के बाद, सच्चाई है ये, आपने इंटरव्यू के अंदर बोल दिया। ठीक है, ये बातें ना थोड़ी मतलब पता नहीं सुनेंगे शायद लगेगा भी कड़वा किसी को, नहीं नहीं ऐसा कुछ कड़वा नहीं है आप, पर इतनी बातें कोई खुल के नहीं करता है ना। अच्छा कि आप आए, आपने बहुत सारी बातें जो लोगों तक जानी चाहिए थी सच्चाई हो गई है। बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। तो आप हमें पंजाब के क्या खिलवाने वाले हो, क्या स्पेशल खाएंगे आज हम आपकी तरफ जा रहे हैं? दसों की खाना। सारा कुछ तैयार है, जे तुसी चाहो जे भी बढ़िया चीज होवे रास्ते च आपा सानू मिल जाए। आपा संगरूर जाएंगे अब आपके साथ? ठीक है, आपा इथों चलांगे हुण चंडीगढ़ तो पटियाला, पटियाला तो संगरूर न हो जाएंगे। पटियाला रस्ते में आएगा हमारे? पटियाला रस्ते चलो। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सबका। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया।